तो पिछले कुछ दिनों में जियो ने एक अनाउंसमेंट किया था जिसमें उसने कहा था कि जियो से अगर किसी दूसरे ऑपरेटर यानी एयरटेल या वोडाफोन या बीएसएनएल जैसे नंबर पे अगर कॉल किया जाएगा जियो के द्वारा तो उस पे वो 6 पैसा पर मिनट के हिसाब से चार्ज करेगा। बेसिकली ये आईयूसी चार्ज, आईयूसी के मतलब होता है दो ऑपरेटर के बीच में जो इंटर कनेक्शन होता है वो चार्ज चूंकि रिलायंस को देना पड़ रहा था और बहुत भारी पड़ रहा था इसीलिए उसने 6 पैसा पर मिनट के रेट से चार्ज करने का फैसला किया था कस्टमर से। लेकिन दोस्तों आज बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, इस वजह से जियो ने एक और नया ऑफ़र दिया है अपने कस्टमर्स को। उसमें उसने कहा है कि 30 मिनट का वो फ्री टॉक टाइम देंगे। कहने का मतलब ये है कि 30 मिनट का टॉक टाइम आप जियो से जब दूसरे कस्टमर को करेंगे तो इतना ये फ्री देगा। तो दोस्तों ये एक न्यूज़ है जो कि अभी कल आई है। मैं आपको इस न्यूज़ का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसका डिटेल यहाँ देख सकते हैं। हालांकि मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये दोस्तों जो फ्री टॉक टाइम की सुविधा जो दी जा रही है सभी कस्टमर्स के लिए है। आप यहाँ देख सकते हैं कि जियो अनाउंस इट विल स्टार्ट चार्जिंग फॉर कॉल्स मेड टू सब्सक्राइबर्स ऑफ अदर टेलकोज टू अकाउंट फॉर ए 6 पैसा पर मिनट टर्मिनेशन चार्जेस इट पेज टू राइवल्स। राइवल्स मतलब कि जैसे एयरटेल और वोडाफोन है। कस्टमर विल गेट फ्री टॉक टाइम ऑफ 30 मिनट्स द फर्स्ट टाइम दे रिचार्ज दियर फोन्स। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो फर्स्ट टाइम रिचार्ज करेंगे तो आपको 30 मिनट का फ्री टॉक टाइम देगा वो रिलायंस जियो ऐसे कस्टमर्स को कि मतलब ये कस्टमर दूसरों को ना जाए। क्योंकि वोडाफोन और भारतीय एयरटेल ने काफ़ी ट्विटर में और फेसबुक में इस तरह की चीज़ें जियो के अगेंस्ट में प्रचारित करना शुरू कर दिया था कि अब जो है आप लोग सही चीज़ चुनिए और अब जो है झांसे में मत आइए। तो इस तरह की चीज़ें जब आने लगी थी तो काफ़ी कस्टमर्स भी इसके खिलाफ़ चुकी थे। कस्टमर तो खिलाफ़ होना ही था क्योंकि उनके पैसे जेब से जाने थे। तो इस तरह से दोस्तों ये सारी चीज़ें हुई और अब जो है उसी को काउंटर करने के लिए जियो ने 30 मिनट का टॉक टाइम फ्री देना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों ये अच्छी वैसे खबर है लेकिन अच्छी बुरी सभी मिलाकर कह सकते हैं क्योंकि 6 पैसा पर मिनट चार्ज देना है लेकिन 30 मिनट का फ्री टॉक टाइम भी है। तो अगर जो ज़्यादा बात करते हैं उनको तो पेमेंट करना ही पड़ेगा लेकिन जो लोग लिमिट में बात करते हैं उनको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। लेकिन दोस्तों ये जो प्रोविज़न है 20 जनवरी तक ही रहेगा क्योंकि इसके बाद आईयूसी हटने वाला है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके काम की रही होगी और आप इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। तो दोस्तों बस इतना ही, धन्यवाद।